हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वर्धन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग कला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीजों को कैसे बोएं। आज हम जो बीज बोने वाले हैं आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे पैकेट हैं यहाँ पे। जो पहला बीज है वो है बॉटल गॉड घी का, सेकेंड है हमारे पास कैप्सिकम शिमला मिर्च का, उसके बाद हमारे पास भिंडी का बीज है, हमारे पास टोमेटो है, कुकुम्बर है घी खीरा मतलब, और ये पम्पकिन के भी सीड्स हैं हमारे पास जिसे हम पेठा कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बीज हैं। हमने एक अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। इस पॉटिंग मिक्स में हमने 40% गार्डन सॉइल डाला है, 40% हमने कोकोपीट डाली है और 20% वर्मी कंपोस्ट डाला है। ये हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। हमने लास्ट टाइम भी यही सेम आपने हमारी प्रीवियस वीडियो हमने अभी डाली नहीं है, लेकिन हमने जो भी प्रीवियस वीडियो शूट करी थी उसमें हमने यही कंपोजिशन रखा था और हमारा तकरीबन 90% के आसपास जर्मिनेशन हुआ था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम काफ़ी सारे बीज बोएंगे आज इस ट्रे में। तकरीबन हम 40 से 50 बीज आज बोने वाले हैं। और ये बीज, जब ये बीज निकल जाएंगे, जब इनकी सीडलिंग बन जाएंगी, तो ये सीडलिंग हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। उसका मेन कारण यह है, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ग्रीन इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम अडेनियम के पौधे उगाएंगे, बीज के थ्रू हम ये सीडलिंग्स उगाएंगे और हम इनको फ्री में बांटेंगे। जिसको भी ये सीडलिंग्स हमारी फ्री में चाहिए हो, वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें, हम उस कमेंट पे आपको रिप्लाई करेंगे और आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपको सीडलिंग कैसे मिल सकती है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम इस तरह कैसे इन बीजों को उगाएं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी लेंगे और इन मिट्टी को इसमें डालेंगे। और हम जब मिट्टी डाल देंगे, देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर से खाली रखा है, इसमें आप जरा सा हल्का सा हाथ मार दें ताकि वो मिट्टी की जो अंदर जगह है वो सेटल हो जाए, ताकि मिट्टी बाद में दबे नहीं। ऐसे हल्का हल्का दबाएं, जैसे मिट्टी थोड़ी सी कम है तो इसमें थोड़ा सा और मिट्टी डाल के हल्का सा दबाएं, ज़्यादा ना दबाएं। जैसे इसमें देखो मैंने ज़्यादा दबा दिया है तो ये सख्त हो गई है मिट्टी, जो कि गलत है, इसमें बीज उगेगा नहीं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप, ये मेरे पास एक कैंची है, मैंने इसमें से इसको निकाल लिया और मैंने इसको देखो फिर से भुरभुरी मिट्टी कर दी और हल्का सा दबा दिया है बस। ऐसे आप सब में करें, मिट्टी डालते जाएं और हल्का सा दबाते जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इनमें मिट्टी भर दी है और थोड़ा थोड़ा दबा भी दिया है। कुछ आप दे सकते हैं, पोर्ट में मिट्टी थोड़ी सी कम है तो इनको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी हम पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, कुछ बूंदों के साथ कुछ बूंद पानी डालेंगे ताकि मिट्टी सेटल हो जाए। अगर आप चाहें तो आप स्प्रे से भी डाल सकते हैं पानी, मेरे पास भी स्प्रे है लेकिन वो भी छत पे रखा हुआ है तो मैं वहाँ से लेके गया हूँ, इसलिए अपने हाथ से डाल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट डब्बे से नहीं डाल सकता, अगर मैं डायरेक्ट इस डब्बे से बड़ा पानी डालूंगा तो ये सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी, तो इसलिए हाथ से आप। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने सब में पानी डाल दिया और आप देख सकते हैं कईयों में मिट्टी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इनमें हल्की हल्की आप मिट्टी डाल लें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मिट्टी कम होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल लें जिनमें बहुत ज़्यादा कम है। मैं उन सब में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहा हूँ जिनमें मिट्टी कम है। ध्यान रखें आपके पत्थर ना हो इसमें। देख सकते हैं जी कि मैंने जिनमें मिट्टी कम थी उसमें मिट्टी डाल दी है। अब मैं एक एक करके बीज खोल दे डालने वाला हूँ। सबसे पहले बीज डाल रहे हैं हम बॉटल गॉड का, और इसमें हम एक नोट भी बना के रखेंगे कि हमने इस ड्रॉ में बॉटल गॉड का बीज डाला है। बॉटल गॉड मतलब घिया होता है। ये देख सकते हैं आप, ये बॉटल गॉड के बीज हैं और मैं इनको अब धीरे धीरे पोट करने वाला हूँ।
ये मैंने पहला बीज डाल दिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अच्छा, अगर आप इसमें देखिए बीज जो उगाते हैं तो हमेशा बीज आपने यूँ टेढ़ा नहीं डालना, हमेशा बीज ऐसे खड़ा करके डालना है आपने। देखिए मैंने ये बीज लिया और इसको ऐसे डाला और इसमें सीधा मैंने बो दिया। अब आप जैसे देख सकते हैं कि ज़्यादातर मैं बो चुका हूँ। अब मैं इनके ऊपर मिट्टी डाल दूँगा ताकि इनको हवा ना लगे। ये देखिए इसे मैंने मिट्टी डाल दी है और मिट्टी डालने के बाद ही मैं इनको हल्का सा प्रेस कर दूंगा इस तरह से, ताकि जो भी हवा जाने की वो हो, जगह हो, वो हट जाए, वो भर जाए। ज़्यादा नहीं दबाना है आपने, नहीं तो बीज निकलेगा नहीं। हल्का सा मिट्टी डाल के आपको इस तरह से हाथ फेर देना है, मिट्टी आप भुरकें ऐसे, उसके बाद ऐसे हाथ फेर दें बस। इसी तरह हम हर चीज़ में बीज डालेंगे। हमने एक नोटबुक, इस बार हमने एक नोटबुक रखी है जिसके अंदर हम ये लिखते जा रहे हैं कि ये किस चीज़ का किस लाइन में हमने क्या बोया है, ताकि हमें बाद में पता चल जाए, ताकि हमें बाद में पता चल जाए कि हमने कौन सी लाइन में क्या बोया है और हम आप लोगों को सही सीडलिंग पहुँचा सकें। अगला हमारे पास कैप्सिकम है। हमने जो बॉटल गॉर्ड की सिर्फ एक लाइन बोई है, और अगर हम कैप्सिकम की बात करें तो हमारे पास कैप्सिकम के बहुत सारे बीज अवेलेबल हैं इस टाइम पे। तो हम कैप्सिकम की भी देखिए दो लाइन बोएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग आप तक पहुंचा सकें। अगर हम इसमें हम तकरीबन 90% जर्मिनेशन का हमने देखिए टारगेट रखा हुआ है। तो देखिए ये हैं इनके बीज, ये मैंने बीज डाल दिए। इस तरह से देखिए मैं सब में बीज डालता जाऊंगा। मैंने एक एक बीज हर पॉट में डाला है। जो चौथा नंबर है हमारा, अब उसमें हम भिंडी के बीज डालेंगे। भिंडी के बीज भी हम देखिए दो लाइनों में डालेंगे। मैं इस प्लेट में निकाल रहा हूँ, ये मेरे डब्बे में गिर गए हैं बीज, तो इस प्लेट में मैं डाल देता हूँ। देखिए जी भिंडी के बीज भी हम देखिए दो जगह लगाएंगे, दो लाइनों में लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हो। और ये सारे हाइब्रिड बीज हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका फल कम लगेगा, फल इसमें भर के लगेगा। नॉर्मल बीज जो होता है उसको उगने में भी टाइम लगता है और उसमें फल भी कर थोड़ा धीरे आता है और कम आता है, इसमें फल बिल्कुल भर के आएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास, वो हमारे पास हम बोएंगे अब टमाटर के बीज। आप देख सकते हैं टमाटर के बीज भी हम दोनों में बोने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ एक ट्रे अवेलेबल है अभी, तो मैं दूसरी को फटाफट भर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने सारे बीज बो दिए हैं इसमें। इसमें हमारे भिंडी के बीज हैं, बॉटल गॉर्ड है, टमाटर है, कुम्बर है,
इसमें काफ़ी सारे बीज हमने बो दिए हैं, कैप्सिकम भी है इसके अंदर, तो हमने काफ़ी सारे बीज बो चुके हैं अब इसके अंदर। उसके ऊपर से हमने पानी भी डाल दिया है, इसमें पूरी तरह से इसको वेट कर दिया है। अब इसमें अगले 3-4 दिन पानी नहीं डाला जाएगा बिल्कुल भी, और इसको वेट किया जाएगा जर्मिनेशन का। आजकल ठंडक काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि हमने पानी इनफ है हमारे, एक एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए इनफ है, बट स्टिल हम 3 से 4 दिन बाद दोबारा देखेंगे। आज हम देख सकते हैं कि जैसे मैं हल्की हल्की देखिए मिट्टी ऊपर सूखी बुरक रहा हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ये मिट्टी सोख ले। अगर आप नहीं भी बुरकेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट ये पानी ज़्यादा होने के लिए, अगर ज़्यादा हो तो ये सूख ले, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ मिट्टी। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी एक्स्ट्रा मिट्टी भी है। तो अभी देख सकते हैं मैं पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस मिट्टी को ऊपर से हटाने के लिए, और मैं यहाँ से इसको ऐसे हटाऊँगा ताकि ये साइड में चली जाए। तो दोस्तों ये अब सीडलिंग हो चुकी है, इसमें तकरीबन हम 1 हफ्ते का वेट करेंगे इनमें पौधे निकलने के लिए। और अगर आपको जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि अगर आपको ये फ्री सैम्पलिंग और या सीडलिंग चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको सारा प्रोसेस बता देंगे सीडलिंग का, कि आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या हम किस तरह से आपको कूरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये था हमारा सारा बीज बोने का प्रोसेस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को देखते रहें। आगे आगे बहुत सी और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। थैंक यू।